नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत की तरफ से आई हुई बम्पर भर्ती का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से भर के देखने वाले हैं। आप सभी को इस वीडियो का काफी लंबे टाइम से इंतजार रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को बिना कहीं आगे बढ़ाए पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की तरफ से बम्पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के बता दिया है। आज की इस वीडियो में आप लोग कैसे ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस भर्ती के अंदर टोटल 19,170 पोस्टें मिलेंगी। आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ ऑनलाइन अप्लाई करने का। अगर आप लोग केवल 10वीं पास है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे बिना किसी एग्जाम के, केवल इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती है और फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रहने वाली है। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत से आवेदन किया जा सकता है। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जहाँ पर आप लोग कमेंट करते हैं वहाँ दे दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एपी ग्राम वॉलेंटियर ऑनलाइन फॉरम है 2019 के लिए, जहां पर 19,170 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। यहां पे देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल के अंदर टोटल 19,170 पोस्टें रखी गई हैं। बात करते हैं डेट की, तो 1 नवंबर से लेकर केवल और केवल 10 नवंबर तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा और आपका 16 से 20 नवंबर के बीच में इंटरव्यू होगा। सबसे फास्टर देन फास्टर ये भर्ती होने वाली है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 साल से लेकर 35 साल का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएगा। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री और जो एससी एसटी पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि सभी कैटेगरी की महिलाएं उनके लिए भी बिल्कुल फ्री रखा गया है। बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो यहाँ पे ग्राम वॉलेंटियर की पोस्ट रहेगी। पे स्केल की बात करें तो 20,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा पर मंथ। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है और यहाँ पे आपको नीचे रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया गया, जहाँ पर आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगेगा। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा बिना किसी परीक्षा के। अब बात करते हैं फाइनली कि आप लोग कैसे आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे क्लिक करना होगा, जैसे कि मैंने कर दिया है। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। मैं यहाँ पे अपना जो है तो डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपना डेस्कटॉप साइट ओपन किया तो आपके सामने एक बटन दिखेगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामा वार्ड वॉलेंटियर जिसको बोलते हैं उसकी पोस्ट है। यहाँ पे पंचायत राज की तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर ग्रामा वार्ड वॉलेंटियर फेज सेकंड। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डिक्लेरेशन का फॉर्म ओपन होगा, जहां से आपका पूछा जाएगा कि फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्रूटमेंट फॉर अप्लीकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या आप लोग केवल 10वीं कक्षा पास हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर बोला जा रहा है कि अगर आपकी एज 18 से लेकर 35 साल है 1/11/2019 से गिनी जाएगी तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि अप्लीकेंट शुड बी रेसिडेंट ऑफ द सेम वार्ड पंचायत। और उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जो कि मैंने अभी नोटिफिकेशन में दिखाया था, अगर आपके पास ये सब है तो यहाँ पे ग्रीन मार्क होगा, अगर नहीं होगा, अगर खाली हुआ तो आप लोग इस पे टिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आई एक्सेप्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग एक नए पेज में ओपन हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये स्टेप वन है प्लेस क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ। तो आपको प्लेस यहाँ पे देख लेना है कि आप लोग कौन से क्षेत्र से आते हैं, क्या आप रूरल से हैं, अर्बन से हैं या फिर ट्रिबल से हैं। तो मैं यहाँ पे रूरल सेलेक्ट कर लेता हूँ।
देन इसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी गई है, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को SSC 10th सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक का, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। उसके बाद ये इन्फो जो है तो ऑलरेडी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे एक आखिरी स्टेप आता है लॉगिन का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको केवल दो ही स्टेप मिलेंगे आवेदन करने के। यहाँ पे आपको इंटर आधार नंबर, अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चर कोड दिखेगा जैसे EPMH, यहाँ पे आपको डालना होगा। और यहाँ पे आपको सेंड OTP के बटन पे क्लिक कर देना होगा। अगर आपका आधार वेरीफाइड नहीं होगा तो यहाँ पे रेड का निशान आ जाएगा, आपको ये करना जरूरी है। मैंने करके देखा है, मेरा नंबर थोड़ा सा क्या है कि आधार कार्ड से ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे OTP नहीं दे रहा है। तो आपको बता दें कि जब ये आधार OTP ले लेगा, उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के अंदर सिंपली आपका नाम, पता, क्वालिफिकेशन आपने जो यहाँ पे डाली हुई है वही रहेगी, डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहेगी, और आपका बस आपके फ़ोन में एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होगा। और आप लोग सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका पूरा का पूरा जो है तो फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।